असलम स्टूडेंट्स इट्स अ सेकेंड पास पेपर ऑफ़ ड्रामा एम इंग्लिश पार्ट वन और ये पेपर है टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का पहले डिस्कस कर लेते हैं इसमें जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्सट हैं वो क्या है एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्ट चूज एनी थ्री ऑफ द इन स्टेंसाज और आपका ये क्वेश्चन जो है वो ट्वेंटी फाइव मार्क्स का है यानी आपको टोटल जो है वो फाइव स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं और इन आउट ऑफ फाइव में से आपने थ्री कॉन्टेक्स्ट लिखने हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ है ओ ग्रोज नथिंग क्वेश्चन एवरी क्राई ऑफ बर्ड्स एंड ऑल रोड्स एल्स ऑफ़ प्रोफेसी यू अब यहाँ पे ये यह प्रोफेसिज ये वो क्योंकि कुछ जो होते हैं ना कीवर्ड्स वो आपको तब याद आ जाते हैं या तब आपके माइंड में क्लिक कर जाते हैं जब आपने राइटर को स्पेशली पढ़ा होता है कि उसका स्टाइल क्या है और आपने उस एज को या उस इरा को भी अंडरस्टैंड किया होता है तो ये प्रोफेस पे बिलीव रखने वाले कौन लोग थे ये ग्रीक लोग थे और ग्रीक में जो हमें ड्रामा मिलता है वो एक ही है विच इज़ इडिपस रैक्स तो डेफिनेटली हमें फिर यहाँ पर पता चल जाता है कि ये लाइन ली गई हैं प्ले इडिपस रैक्स से अब ये सीन जो है वो स्टार्टिंग इनिशियल सीन है जिसमें के कुछ लोग जो होते हैं ना कुछ प्रीस्ट होते हैं बेसिकली वो सारे इकट्ठे होके आते हैं और वो उससे हेल्प के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों के ख्याल में जो उनके किंग्स और प्रिंसेस थे वो असल में वो माइटी गॉड्स ही थे तो उनके पास जो है वो ज्यादा नॉलेज होता है वो उनको ज़्यादा आ, समझते हैं खुद से वॉइस पर्सन सो इसलिए यहाँ पे आके वो सारा जो ग्रुप होता है ना वो उनसे रिक, रिक्वेस्ट रिडिब से कर रहा होता है और कहते हैं कि अब ये हमारे इश्यूज़ हैं हमारे सिटी को बचा लो और हमारे सिटी को बचाना ऐसे ही है जैसे कि तुम अपने शहर को बचा रहे हो क्योंकि आफ्टर ऑल यू आर रूलिंग ओवर आवर सिटी सो यहाँ पर ये लाइन जो है इस तरह से आपने इसके कॉन्टेक्ट्स में लिख फिर इन्हीं लाइन्स को आ, थर्ड जो स्टेप होता है एक्सप्लेशन का इन्हीं लाइन्स पर फोकस करते हुए और कुछ डिफरेंट कोर्स एड करते हुए एक्सप्लेन कर देना है Second stanza, well, I must say, Algernon, that I think it is high time that Mr. Bunbury made up his mind whether he was going to live or to die. अब यहाँ पे भी जो है वो आपको फ़ॉन से पता चल जाना चाहिए करैक्टर नेम्स क्योंकि मैंशन है और करेक्टर नेम जब मैंशन होते हैं ना तो ये समझें कि आपके लिए बड़ी गुड लक है आपकी कि वहाँ पर आप फ़ौरन से रिकगनाइज़ कर सकते हैं कि प्ले कौन सा है इसलिए जो भी स्टोरी आप पढ़ते हैं ना चाहे वो ड्रामा है चाहे आप नावल पढ़ रहे हैं चाहे प्रोज़ में कुछ है तो अगर कोई स्टोरी है जैसे गुलीवर्स ट्रैवल है प्रोज़ में तो आपको करैक्टर्स के नेम ज़रूर याद होने चाहिए ताकि उससे ये होता है कि आपको बड़ी हेल्प मिल जाती है डिफरेंट क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट करते हुए ड्रामा में तो स्पेशली आपको इसलिए याद करने चाहिए क्योंकि ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट और कंपलसरी क्वेश्चन होता है तो ये फिर जो क्वेश्चन ये इसका आपने रेफरेंस लिखना है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ बींग गर्नस्ट ये प्ले का नाम है और राइटर का नाम आप लिख लेंगे कि वाइल्ड ऑस्कर वाइल्ड है उसने ये प्ले लिखा है और साथ ही फिर क्योंकि ये मॉडर्न प्ले है मॉडर्न प्लेज़ की जो वर्डिंग होती है ना वो इतनी टफ नहीं होती है सो so, इसको आप सिंपली अपनी ओन वर्डिंग में ईजिली ट्रांसलेट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं नेक्स्ट uh, ट्रेंसर है हर फादर लव मी ऑफ इन्वाइटेड मी स्टिल क्वेश्चनड मी टू द स्टोरीज़ ऑफ़ माई लाइफ फ्रॉम ईयर टू ईयर अब यहाँ पे भी हमें स्टाइल से पता चल जाता है कि ये शेक्सपियर का प्ले है और इतना फेमस प्ले है ये ओथेलो और ये लाइंस भी इनिशियली हैं फर्स्ट एक्ट में से सीन थ्री है और ये जो थैलो है वो बात कर रहा होता है कि डैस डिमोना जो है ना उसका फादर वो बुलाता था मतलब अपनी स्टोरी जो है वो शेयर कर रहा होता है तो फिर इसका भी वही स्टेप है कि फर्स्ट जो है वो रेफरेंस आप लिखना है देन इसका कॉन्टेक्स्ट और तो कॉन्टेक्स्ट में ये बिल्कुल नहीं करना कि पूरी समरी आप लिख लें जिस रिलायंस दी गई है ना उससे प्रीवियस और कमिंग सिचुएशन बस उसको थोड़ा बहुत आप नरेट करेंगे देन एक्सप्लेशन है नेक्स्ट एंड जो है वेयरली यू पुट मी ऑफ विद लेमे वॉज बट आई दो यू वुड सी आई इंस्पेयर द स्टॉर्स विद ऑर्थ्स अब ये वाली जो लैंग्वेज है ये भी सेम हमें नज़र आ रही है सो ये वाला जो प्ले है ये भी शेक्सपियर का है और इस प्ले का नाम है विंटर स्टेल उसके बाद फाइनल हमारा जो स्टेंजा है वो है हाउ आई एम ग्लटेड विद कंसीट ऑफ दिस शल आई मे एक्सपरट्स फैशमी वट ए प्लीज़ रिजॉल्व मी ऑफ ऑल ambiguities. परफॉर्म वट desperate enterprise आई विल अब यहाँ पे एक पर्सन हमें नज़र आ रहा है जो कि स्परिट्स uh, को कैच करने की कोशिश कर रहा है और फिर वो बता रहा होता है कि मैं इससे मैं अपना एम्बिशन शो करवा रहा है कि वो क्या होगा तो ऐसा स्ट्रॉन्ग एम्बिशियस पर्सन हमने एक ही पढ़ा है तो वो प्ले है डॉक्टर फास्टर्स का लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने यह आपने इसका रेफरेंस लिखना है देन कॉन्टेक्सट के बाद एक्सप्लनेशन में आप फास्टर्स के करेक्टर को इसमें डिस्कस कर सकते हैं यानी कि उसके डिफरेंट डायलॉग जो है ना वो कोट कर सकते हैं अब लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर टू है वाई इयागो हेट ओथेलो गिव रीजन अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। में से जो आया क्यों हेट करता है सबसे पहले तो आपने इश्यू यहां पर रेस करना है रेसिज्म का रेसिज्म की वजह से वो उससे हेट करते हैं फिर उसके बाद जेलसी होती है जेलसी का फैक्टर वो इसमें बड़ा कॉमन सा है और इसी तरह जो है वो बाकी मेन मेन पॉइंट्स ऐड करते हुए आप रीजन बताएंगे कि यागो जो है वो कितना हेटफुल uh, पर्सन होता है खुद भी और वो अपनी नफरत को उस पर किस तरह से इम्पोज uh, कर देता है और डिफरेंट करेक्टर्स को मतलब मेन जो है ना इसमें फोकस यागो के करैक्टर पर करना है आपने तो फिर आप जो है वो उसको आंसर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इन शेक्सपियर्स प्लेज आप शेक्सपियर प्ले थैलो उसमें डेस्टमोना और उसमें जितने भी फीमेल करेक्टर्स हैं वो भी बता सकते हैं विंटर स्टेल में इवन के आउट ऑफ कोर्स भी आपने कुछ शेक्सपियर के प्लेस पढ़े हैं तो उनका भी रेफरेंस दे बता सकते हैं कि फीमेल करेक्टर को शेक्सपियर किस तरह से लिखता है नेक्स्ट क्रिस्टोफर मार्लोज प्लेज डॉक्टर इज अ मिथ और रियलिटी कमेंट अब ये मिथ है या रियलिटी है ये क्या है क्योंकि क्रिस्टोफर मार्लो को एक कंट्रीब्यूटर कहा जाता है टूवर्ड्स मॉडर्न ट्रैजडी क्योंकि इससे पहले जो ट्रेजडी लिखी जाती थी वो बड़े प्रोटोकॉल के साथ लिखी जाती थी उसमें जो ये होते थे जितने भी राइटर्स वो प्रेफर करते थे कि जो अरिस्टोटल के बताए हुए रूल्स हैं या जो ग्रीक टाइम से ट्रेजडी के रूल्स चले आ रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग लिखा जाए लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो वॉज द वन हु ब्रोक दैट ट्रेडिशन सो इसने एक कॉमन पर्सन को जो है वो एज एन ट्रेजिक करैक्टर लिया अब वो उसको ट्रैजिक करेक्टर के तौर पर रिप्रेजेंट करता है लेकिन अब उसको क्या हम मिथिकल करेक्टर कहेंगे या फिर सारी स्टोरी को रियलिटी बेस्ड कहेंगे अब अपने दोनों एलिमेंट्स पर डिस्कस करना है जहां जहां पर हमें वो मिथ्स नजर आती हैं जैसे उसमें सुपर नेचुरज का यूज़ किया गया है वो और रियलिटी क्योंकि हर पर्सन जो होता है ना वो स्पेशली स्कॉलर्स पर फोकस किया गया है तो वो किस तरह से वो उनमें ये चीज़ आ जाती है प्रियॉर्टी कॉम्प्लेक्स आ जाता है फिर उसको लेके वो कैसे स्टार्टिंग में उसके एंबिशंस क्या होते हैं बाद में उसके मोटिव्स कितने नेगेटिव हो जाते हैं तो इसमें भी आप जो है वो फास्टर्स का करैक्टर लिखेंगे लेकिन राइट के पॉइंट ऑफ व्यू को ऐड करते हुए क्वेश्चन नंबर फाइव है वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ शेक्सपियर्स प्ले द विंटर्स टेल मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं ना ये इस प्ले को छोड़ देते हैं विंटर टेल क्योंकि आपने थ्री uh, प्लेस ही करने होते हैं थ्री टू फोर कर लें तो आपका पेपर हो जाता है तो uh, बहरहाल यहाँ पे ये कि टाइटल पे फोकस करना है आपने विंटर स्टेल और फिर आपने बताना है कि इस स्टोरी का जो टाइटल है उसका बाकी स्टोरी पे यानी जो पूरी टेल चल रही है उस पर क्या इम्पैक्ट है क्या वो ऑब्वियस टाइटल है उस स्टोरी के मुताबिक अगर है तो कहाँ कहाँ पर वो सूटेबल लग रहा है अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है यानी बाई गिविंग लॉजिक्स यू विल स्पोर्ट योर आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स है व्हाट आर द काजेज़ ऑफ द डाउनफॉल ऑफ इडीपस इन सफ और डी ट्रैक्स अब डाउनफॉल के काज क्या हैं अब uh, इसमें जो एक क्वेश्चन होता है ना एक टॉपिक होता है छोटा सा आपने पढ़ा होगा ह्यूब्रेस का तो उसका जो ह्यूब्रिस होता है वो आप इसमें बताएंगे कि उसमें जो ऐसी मिस्टेक्स जो वो कमिट करता है जैसे उसकी रैशनेस है उसका एंगर है उसका प्राइड है वो सारी चीज़ें फिर जो है वो कॉज बनती हैं उसके डाउनफॉल का और वो फिर एडवर्सरी की तरफ चला जाता है तो ये आप रीजन दे के बताएंगे कि और फिर साथ छोटे चोड़ छोटे वो इवेंट्स बताते जाएंगे कि कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें जो हैं उसके डाउनफॉल में हेल्पफुल होती हैं उसके बाद फाइनल इसमें आपका क्वेश्चन है कमेंट ऑन ऑस्करस वाइल्ड्स आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन जो होता है ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप सारे करेक्टर्स को डिस्कस कर सकते हैं Uh, फिर आप इसमें मेन जो करैक्टर जैसे एल जी का करैक्टर है जैसे uh, जो है वो फीमेल करैक्टर्स है कि डॉलन है सेसली है जैक है और इन सब मेजर और माइनर हर करैक्टर के कुछ क्वालिटीज़ बताएंगे और फिर वो क्वालिटीज़ जो हैं वो सोसाइटी में किसी चीज़ को डिपिक्ट करने के लिए यूज़ की गई हैं वो बताएंगे तो फिर इसमें करैक्टर्स के रेफरेंसेज देते हुए इस क्वेश्चन को कम्प्लीट करना है तो so, ये था हमारा ड्रामा का पेपर अब नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे नावल का अब पंजाब यूनिवर्सिटी का हम डिस्कस कर रहे हैं पहले देन हम यूनिवर्सिटी ऑफ गोदा के क्वेश्चन को देखेंगे देन यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात एंड सो so ऑन तो बाकी सारी वीडियोज़ जो हैं वो भी आप देख सकते हैं प्रीवियस इसमें काफ़ी सारे हेल्पफुल लेक्चर्स हैं जो अपलोड किए गए हैं सब स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए और मजीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब और चैनल एंड इसको लाइक like करें शेयर करें और दूसरे क्लास वॉलोज़ के साथ भी आप आ, लिंक को शेयर कर सकते हैं एंड यू कैन आल्सो गिव योर सजेशन इन टू कमेंट बॉक्स टेक केयर ऑल स्टूडेंट्स गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़